बी गोइंग ऑन अनदर डिजीज ऑफ एसटीडी, और एसटीडी में भी कौन सा वायरल, देखिए फर्स्ट प्लेस सेकंड एड्स, थर्ड वन इज द हेपेटाइटिस, फोर्थ इज द जेनिटल हर्पीस। अब इसमें फिफ्थ वन डिजीज है अपनी, ये इसको बोलते हैं, ये जो डिजीज है जेनिटल वार्ड्स। एक्चुअल में जेनिटल वार्ड क्या होता है वो देखिए, इसमें क्या होगा, इसका पैथोजन देखें पहले अपन, इसका पैथोजन क्या है, पैथोजन ऑफ जेनिटल बार्ड्स। ये जो जेनिटल बार्ड डिजीज है इसका जो पैथोजन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इसको बोलते एचपीवी। ह्यूमन, थोड़ा सा अपन को क्या है इसमें, ये जो एसटीडीज है ना इनमें थोड़ा सा याद करने वाला प्रैक्टिस है, आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, टेस्ट लेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें रिवीजन में आने से ये याद होगा जल्दी से, थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है पैथोजन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी। अब इसके सिम्टम्स देखें अपन, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स में देखिए इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन उसकी स्किन पर इस तरह के हार्ड, ये हार्ड एंड हॉर्नी का मतलब है, ये जो हार्ड एंड हॉर्नी का मतलब समझिए, हॉर्नी वर्ड आता है, हॉर्नी मीन्स होता है जब स्किन हार्ड होता है, और स्किन तब हार्ड होती है जब उसकी स्किन में क्रिएटिन डिपोजिशन ज़्यादा हो, क्रिएटिन प्रोटीन ज़्यादा जमा होने से स्किन हार्ड हो जाती। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा दाने टाइप का निकल के आता है, बट वो दाना कैसा होता है, उसकी स्किन कैसी होती है, हॉर्नी खुरदुरी और साथ में हार्ड होता है, ये सबसे पहला सिम्टम है। इस सिम्टम में क्या है अपना, तो ऑन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन हार्ड एंड हॉर्नी आउटग्रोथ, हार्ड एंड हॉर्नी आउटग्रोथ हो जाती है, दिख रहा है आपको, स्किन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की इस पर हार्ड और हॉर्नी आउटग्रोथ हो गई, हार्ड एंड हॉर्नी आउटग्रोथ हो जाती है, और बाद में जाकर के जब ये लीजन इसमें कट करता है तो बाद में इसमें बन जाते हैं अल्सर। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की स्किन पर थोड़े हार्ड दाने निकल आते हैं, कठोर दाने निकल आते हैं, उनकी स्किन ज़्यादा हार्ड होती है, बाद में उनके फटने से उनमें लीजन बनने से उसमें अल्सर हो जाता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ द जेनिटल बार्ड्स। तो ये फिफ्थ डिजीज हुई, देखिए वायरल डिजीज कौन कौन से हो गए, एड्स वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, ये वाली बैक्टीरियल डिजीज है। तो वायरल में देखते हैं एड्स, हेपेटाइटिस बी, एंड फोर्थ इज द जेनिटल हर्पीस, एंड फिफ्थ वन इज द जेनिटल बार्ड्स। तो डायरेक्टली इसमें पहले तो अपन को डिजीज और उसका पैथोजन याद रखना है, जैसे एड्स का वायरस क्या है, एचआईवी। एड्स वायरस है, इसका वायरस का एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, और ये जो एचआईवी कैसा वायरस था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, ये अपन पहले देख चुके हैं, मतलब जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको इस वे में रिवाइज करना है। डिजीज जो ट्रांसफर कैसे होती है, ऑफकोर्स मेन तो इसमें एसटीडी है, इसके अलावा अदर रूट भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस एंड सिम्टम याद रखो थोड़ा थोड़ा, स्पेशली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डोज याद रखिए कब दी जाती है, और उसकी जो वैक्सीन है वो किस टाइप की होती है, आरडीएनए। ये आरडीएनए वैक्सीन एक्चुअल में सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती है, इसको अपन बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन ये भी याद रखिए। थर्ड जेनिटल हर्पीस, इसका जो पैथोजन है जेनिटल हर्पीस का टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये भी वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है, सॉफ्ट आउटग्रोथ ऑफ द स्किन ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, और उसके फटने से ब्लड बाहर आता है, जिसमें आरबीसी होते हैं, तो एरिथ्रोमाइटस डिस्चार्ज बोलते हैं इसको।
लेकिन जेनाइटल पार्ट में क्या होता है कि उसमें जो अल्सर बनते हैं उसमें उतनी ब्लीडिंग नहीं होती, वो हार्ड होता है। ये डिफरेंस है इन जेनाइटल वार्ड्स एंड जेनाइटल हर्पीस। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एसटीडी, और एसटीडी में भी वायरल, तो वो वायरल डिजीज ये अपना फिफ्थ था एंड सिक्स्थ वन, सिक्स्थ डिजीज देखिए। देखिए आप सीक्वेंस याद रखिए, बार बार अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स एंड नाउ सिक्स्थ डिजीज इज द, इस डिजीज को अपन बोलते हैं क्लेमाइडियासिस। नेक्स्ट वन इज द क्लेमाइडियासिस, ये फिफ्थ अपनी सिक्स नंबर की डिजीज है क्लेमाइडियासिस। तो इसका पैथोजन देखिए क्या है, पैथोजन ऑफ दिस डिजीज, ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है। तो क्लेमाइडियासिस पहला क्वेश्चन होता है मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, सबसे ज्यादा एसटीडीज में बैक्टीरियल डिजीज है तो वो कौन सी है, क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस का जो पैथोजन है, ये पैथोजन है क्लेमाइडियाट्रैकोमैटिस, पैथोजन याद रखिए क्लेमाइडियाट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडियासिस का जो पैथोजन है वो कौन सा है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अब ये जो डिजीज है, इस डिजीज के देखिए सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ क्लेमाइडियासिस, इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपन फीमेल की बात करते हैं, देखिए फीमेल में क्या क्या सिम्टम आएंगे। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इंफ्लामेशन ऑफ, कहाँ कहाँ फीमेल में इंफ्लामेशन हो जाता है, इंफ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स से आगे इंफेक्शन यूटेरस, यूटेरस से आगे इंफेक्शन फैलोपियन ट्यूब, इन्फेक्शन सर्विक्स से गया, एसटीडी कॉन्टैक्ट से हो गया फीमेल को। अब फीमेल में वो सर्विक्स वेजाइना से होते हुए ऊपर आया सर्विक्स, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब तक चला गया, इसलिए इस डिजीज को पीआईडी, पीआईडी, पीआईडी मींस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्योंकि उसका जो पेल्विक पार्ट है जिसमें सर्विक्स है, यूटेरस है और फैलोपियन ट्यूब है, इसलिए इसको पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, याद रखें पीआईडी, पीआईडी मींस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अब क्या होगा देखिए, दूसरा ये फीमेल का केस था, सेकंड ये पहला सिम्टम है इसका, सेकंड सिम्टम यूरेथ्राइटिस, इसमें यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन हो जाता है इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के केस में, यूरेथ्राइटिस इन मेल एंड फीमेल दोनों में हो जाएगा यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन। एंड थर्ड वन, थर्ड सिम्टम इन मेल, देखिए मेल में क्या होता है, मेल में यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्रा का इन्फ्लामेशन हुआ। अब यूरेथ्रा के अंदर इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, थिक पस लाइक, थिक पस, थिक पस लाइक डिस्चार्ज, जो यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन हो गया इसकी वजह से थिक और पस लाइक डिस्चार्ज होने लगेगा यूरेथ्रा से। अब बेसिकली अपन देखते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है यूरेथ्रा में और पेल्विक रीजन में फीमेल के केस में उसके जेनाइटल ट्रैक्ट पर। इसका जो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट डिजीज क्या कर सकते, ट्रीटमेंट में यहाँ पर एंटीबायोटिक कॉमनली दी जाती है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करती है, इन्फ्लामेशन को रोकती है, जो इन्फ्लामेटरी बैक्टीरिया होते हैं उनको रोकती है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये दी जाती है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है इसको याद रखें, कौन सी एंटीबायोटिक दी गई, टेट्रासाइक्लिन।
अब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देगी, लेकिन इस डिजीज में क्लेमाइडियासिस में जिसमें मोस्टली जेनाइटल ट्रैक्ट पर और यूरिनरी ट्रैक्ट पर इन्फेक्शन हुआ है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट का इरेथ्रा का इन्फेक्शन है, ये फीमेल केस में जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो इस बैक्टीरिया का क्लेमाइडियासिस का एक्चुअल में जो क्लेमाइडियासिस बैक्टीरिया है ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया सेल के अंदर रहता है, तो इस पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डज नॉट अफेक्ट, इस बैक्टीरिया पर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें मोस्टली कॉमन जो बैक्टीरियल डिजीज हैं जिनमें इंफ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया को, तो उसको किल करती है पेनिसिलिन, बट पेनिसिलिन इस केस में अफेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि बैक्टीरिया कैसा होता है इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर। ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट एसटीडी। देखिए अपन ने सिक्स देखी, वन इज द सिफिलिस का, जल्दी से मेरे साथ बोलो सिफिलिस का पैथोजन क्या होगा, सिफिलिस का पैथोजन क्या होगा, एड्स का पैथोजन क्या होगा, हेपेटाइटिस बी का पैथोजन क्या होगा, जेनाइटल हर्पीस का, जेनाइटल वार्ट्स का, क्लेमाइडियासिस का। अब इसमें अपन नेक्स्ट वन सेवंथ एसटीडी, देखिए ये फोर्थ हो गया, इस तरह से याद रखें, सेवंथ एसटीडी है ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट ये लास्ट या इसके बाद और कोई याद होगा देख लेंगे, बट बेसिकली यहाँ पर एसटीडीज आपकी जो एनसीईआरटी में दी गई उतना तो याद रखना ही है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कभी कभी दो क्वेश्चन नीट में आते हैं, एम्स में और नीट में यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसका जो पैथोजन है वो देखिए कौन सा है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, इसका जो पैथोजन है तो ये बैक्टीरियल डिजीज है ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस। नाम से क्लियर हो रहा है ये जो पैथोजन है ट्राइकोमोनास बेजाइनेलिस मेनली कहां इन्फेक्ट करेगा, बेजाइना। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स यदि अपन फीमेल में देखें तो देखिए फीमेल के केस में कहाँ कहाँ पर, इसमें बेजाइनल इन्फ्लामेशन हो जाएगा, बेजाइनल इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, पहली बात तो बेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें येलो, इससे क्या होगा येलो पस डिस्चार्ज, बेजाइना से येलो पीले कलर का पस निकलने लगेगा, येलो पस लाइक स्ट्रक्चर, पस डिस्चार्ज, और इस पस में येलो में एक्चुअल में क्या आएगी फॉल ऑर्डर, इसमें गंध आएगी, फॉल ऑर्डर मीन्स दुर्गंध, फॉल ऑर्डर ऑर्डर मीन्स गंध, फॉल मीन्स दुर्गंध, तो ये दुर्गंध वाला येलो कलर का पस मवाद निकलेगा बेजाइना से फीमेल के केस में। मेल के केस में देखें तो इसमें यूरेथ्राइटिस हो जाती है, यूरेथ्राइटिस मीन्स यूरेथ्रा का इंफ्लामेशन होगा, तो बर्निंग सेंसेशन, अंदर इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मीन्स मूत्र त्याग, मिक्चुरेशन मीन्स मूत्र त्याग, तो यहाँ मूत्र के यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन होंगे मेल के यूरेथ्रा के अंदर। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, मोस्टली आप देख पा रहे हैं जितनी भी एसटीडीज हैं वो कहाँ अफेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की स्किन पर, या फिर एड्स और हेपेटाइटिस बी को छोड़ दें तो बाकी तो बेसिकली लोकल इन्फेक्शन होता है, या तो बेजाना के अंदर इन्फेक्शन होता है या यूरेथ्रा के अंदर इन्फेक्शन होता है, कुछ पीआईडी पूरे जेनिटल ट्रैक्ट तक अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये अपनी क्लेमाइडियासिस में हुआ था। एड्स में क्या हो रहा था, पूरी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो रही थी, हेल्पर टी सेल को
डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, नंबर ऑफ द हेल्पर टी सेल डिक्रीज हो गया था उसमें 210^6 पर लीटर तक। और हेपेटाइटिस सी इज द मोर डेंजरस देन द एड्स, क्योंकि एड्स एसटीडी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, बट ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर दूषित भोजन पानी से भी फैलता है, इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा खतरा इसी का हेपेटाइटिस बी का होता है। ट्रांसप्लेट प्लेसेंटल इसका इन्फेक्शन मदर टू फीटस जा सकता है। तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करके रखें, पहले राउंड में आप क्या करें, डिजीज उसका पैथोजन और एक दो सिम्टम, इस तरह से एक लाइन में सारा आ जाए, डिजीज पैथोजन एंड सिम्टम एक लाइन में, तो इस तरह से 7-8 लाइन में आप इसको हमेशा रिवाइज करके रखें। दिस इज अबाउट एसटीडीज।